देवी सिंह जी, एक बात बताइए, जो आवाज़ पार्लियामेंट में उठानी चाहिए उसको आप पब्लिकली उठा रहे हैं, उसका क्या रीज़न है? रीज़न ये है कि आप 2 अप्रैल के आंदोलन से देख चुके हैं कि पार्लियामेंट से तो एट्रोसिटी नॉर्मल हुआ है, लेकिन पब्लिक में पीपल पावर की वजह से नॉर्मल हुआ है। तो हम ये चाहते हैं कि जब जनता का मुद्दा है तो जनता ही रिजोल्व करे, और जनता के बीच में होना चाहिए ताकि किसी का राजनीतिक स्टंट ना हो। हम अपना परिसंघ के माध्यम से जो न्यायपीय व्यवस्था है, सामाजिक अधिकार को जनता के बीच और जनता की आवाज़ बन के ही उसको उचित माध्यम तक ले जाना चाहता है, यही मकसद है। इसलिए आज पूरे देश विदेश से यहाँ पर, देश प्रदेश और विदेश से भी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। तो इस आगे इस आंदोलन को क्या करना है, कहाँ लेके जाना है, और उसको आगे किस मोड़ पर ले जाके खड़ा करना है? जब तक हमारी SC ST OBC माइनॉरिटी का आरक्षण बिल जी, और रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर, और जो उत्पीड़न के मामले और न्यायपालिका में आरक्षण नहीं होता, तब तक ये रैली भी चलती रहेगी। और आज का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर उदित राज जी वो डिसाइड करेंगे कि आज की रैली का क्या रुख है, क्योंकि कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से गुवाहाटी तक एम्प्लाइज ऑफिसर हर तरह का आदमी यहाँ आ रहा है। तो सब लोगों को रोष है कि आज की डेट में देश का विकास के लिए हमारा किसी पार्टी विशेष से राजनीतिक कोई सिस्टम नहीं है। हम ये चाहते हैं कि हम देश की जनता है, 80-85% है, तो जनता को भी तो कुछ रोजगार और ये सब मिलना चाहिए ना। देवी सिंह जी, आगामी योजना क्या रहेगी अगर संविधान बचाओ रैली के अंतर्गत? आगामी योजना यही है कि अगर ये सब हमारी मांगे नहीं होती हैं, और जिस तरह से बेरोजगारी, बैकलॉग, वैकेंसी और रिजर्वेशन प्राइवेट सेक्टर में नहीं होता है, कॉन्ट्रेक्चुअल सिस्टम बढ़ा जाता है, तो हम उसका आगे जैसा डॉक्टर उदित राज जी कहेंगे उसके कहने के मुताबिक तय करेंगे क्या करना। आप थे देवी सिंह जी, महासचिव हैं परिसंघ के अंदर, SMU से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू।